हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो सॉरी रियलमी 12 प्लस फ़ोन है, तो रियलमी 12 प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर मैसेज की सेंडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और मैसेज सेंडिंग की प्रॉब्लम्स को आप कैसे ठीक कर पाएंगे रियलमी 12 प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि मैसेज सेंड प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकते हैं रियलमी 12 प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना होगा और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जिसका आप यूज़ करके अपने फ़ोन में मैसेज सेंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं फ़ोन में, और मैसेज की सेंड प्रॉब्लम्स को भी आप ठीक कर पाएंगे फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शंस आ रहा है, तो स्लाइड करते हुए आपको इस पे से जाना होगा ऐप सेटिंग्स पे। तो ऐप सेटिंग्स पे जाकर ऐप मैनेजमेंट पे चले जाना है। तो ऐप मैनेजमेंट पे जाकर मैसेज सेंड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं फ़ोन में। स्लाइड करते ही मैसेज आइकन्स पे चले जाना आपको, तो मैसेज आइकन्स आ जाएगा, जिस पे जाकर मैसेज डाटा को आपको क्लियर कर देना है। यहाँ से स्टोरेज डाटा पे जाकर मैसेज डाटा डिलीट कर देना ऑल, और फिर इसके बाद आपको जाना है यहाँ से बैक करते हुए परमिशंस पे। परमिशंस पे जाकर आपको नोटिफिकेशन परमिशंस को ऑन कर देना है कुछ इस तरीके से, जिससे आप मैसेज की सेंडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और साथ में ही फ़ोन परमिशंस भी अलाउ कर देना, जिससे मैसेज वगैरह आपके फ़ोन से जाने लगेगा। तो इस तरीके से मैसेज सेंडिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं रियलमी 12 प्लस फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक